अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ मोहम्मद मकसूद कासमी और आप देख रहे हैं बागे मदीना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बांग्लादेश के एक मौलाना हैं जिनको दुनिया आज अब्दुर्रहमान जामी के नाम से जानती है, जो पैदा तो ऐसे माहौल में हुए जहाँ चारों तरफ कुफ्र की तारीकी ही तारीकी थी। हर तरफ कुफ्र का अंधेरा था, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला जिसको चाहता है हिदायत देता है और जिसको चाहता है गुमराह करता है। मौलाना एक ब्राह्मण घर में पैदा हुए और उन्हें डॉक्टर बनने का शौक़ था। उन्होंने मज़हब इस्लाम को भी पढ़ना शुरू किया, मुताला करना शुरू किया और धीरे धीरे इस्लाम उनके दिल में घर कर गया। आपको पता ही है कि जब कोई इंसान नया नया इस्लाम में दाखिल होता है तो उसे कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बाज़ दफ़ा घर से निकाल दिया जाता है, माल से बेदखल कर दिया जाता है, माँ बाप भी साथ नहीं देते हैं, माँ बाप भी घर से निकाल देते हैं, भाई बहन की जुदाई भी सहनी पड़ती है, रिश्तेदारों से भी जुदा होना पड़ता है, सब लोगों से अलग होना पड़ता है। तो यही हालात मौलाना अब्दुर्रहमान साहब के साथ भी हुए। खैर, जब वो इस्लाम के अंदर दाखिल हुए तो उन्होंने एक मदरसे के अंदर दाखिला लिया और वहीं पर अपनी तालीम पूरी की और एक बहुत बड़े मुबल्लिग बने। और तालीम के दौरान कभी भी वो अपने आबाई घर नहीं लौटे। अलबत्ता चंद रोज़ पहले वो अपनी हिंदू माँ से मुलाकात करने, करीबन 21 साल बाद अपने आबाई घर अपनी हिंदू माँ से मिलने के लिए गए। जैसे ही वो अपने घर तशरीफ़ ले जाते हैं तो उनकी माँ जब उनको देखती है तो वो काफ़ी इमोशनल हो जाती है, बहुत ही जज्बाती हो जाती है, क्योंकि माँ आखिर माँ होती है। मौलाना अब्दुर्रहमान साहब फरमाते हैं कि मुझे बड़ा अफसोस हुआ। अफसोस इस बात का हुआ कि मैं अपनी हिंदू माँ को सलाम भी नहीं कर सका कि माँ तुझ पर सलामती हो। हाँ, ये ज़रूर है कि मैं अपनी माँ के लिए हिदायत की दुआ करता हूँ कि अल्लाह मेरी माँ को भी हिदायत। और इनके बहुत सारे बयानात हैं जो यूट्यूब के ऊपर पड़े हुए हैं, जो बंगला भाषा के समझने वाले हैं, उनके मुल्क के हैं, वो तो आसानी से समझ लेंगे। हम और आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। बहुत बड़े मुबल्लिग हैं, बहुत सारे इनके बयानात यूट्यूब पर पड़े हुए हैं, आप उनको सर्च भी कर सकते हैं यूट्यूब पर जा कर के। तो दोस्तों, यही थी आज की न्यूज़। दोस्तों, आपके इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बतलाएं। और पहली बार अगर हमारे चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। जज़ाकअल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।